अगर डाली मैस्यू नाम की इस कार्गो शिप में पावर फेलियर ना हुआ होता तो अमेरिका का बाल्टीमोर ब्रिज आज सही सलामत खड़ा होता। दरअसल 26 मार्च को 948 फीट लंबा ये जहाज अमेरिका से श्रीलंका की ओर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में इस कार्गो शिप की बिजली चली गई और ये जहाज 16 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से इस ब्रिज से टकरा गया और कुछ सेकंड के अंदर ही 3 किलोमीटर लंबा पुल टूट गया। बड़े बड़े ब्रिज के नीचे समुद्री जहाज सीधे पुल से ना टकराए इसके लिए समुद्र में डॉल्फिन और फेंडर पिलर बनाए जाते हैं जो ब्रिज से पहले उन पिलर पर टकरा कर रुक जाते हैं। लेकिन इस जहाज का वजन 1,00,000 टन होने के कारण सेफ्टी पिलर और ब्रिज दोनों जहाज से टकराकर टूट गए।